बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में स्वाइन फ्लू की चपेट में लगभग 300 लोग आ चुके हैं, जिनमें से 55 के आसपास लखनऊ में स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए हैं। तो यूपी में अब तक करीब 7 लोगों की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत भी हो चुकी है, जिसमें से लखनऊ में 2 और अलीगढ़, बरेली, कानपुर और सहारनपुर में 1-1 की मौत हुई है। लगभग 75 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। तो लगातार यूपी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ रहा है और लगातार मौत का सिलसिला भी यहां पर जारी है और जो पॉजिटिव केस है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं और लगभग 300 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है यूपी में, जिनमें से लखनऊ में 55 के आसपास लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है और अब तक करीब 7 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से यूपी में हो गई है। लखनऊ में 2 की मौत हुई है, आपको बता दें, वहीं अलीगढ़, बरेली, कानपुर, सहारनपुर में 1-1 की मौत अब तक हुई है और लगभग 75 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। तो स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है, क्यों रोक नहीं लग रही है स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी पर, क्यों लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि 300 लोगों की खबर है, लगभग 300 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है, जिसमें लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में 55 के आसपास के लोग इससे पीड़ित हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। आलोक, स्वाइन फ्लू एक गंभीर बीमारी है और लगातार यूपी इसके चपेट में आ रहा है, क्या कुछ कर रहा है स्वास्थ्य महकमा? देखिए, निश्चित सी बात है कि अब स्वास्थ्य महकमे से के हाथ से बाहर निकल चुका है स्वाइन फ्लू, और आपको बता दें कि इसलिए बाहर निकल चुका है क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन समेत जो खुद कर्मचारी है अस्पताल के, अब उनको भी स्वाइन फ्लू होने लगा। तो जो सबसे बड़ी चीज स्वाइन फ्लू में प्रिकॉशन लेने की बात कही जाती है, वो खुद अब सरकारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं लोग वो नहीं हो दे पा रहे हैं। इसके चलते जो स्वाइन फ्लू है वो अब जो बात की जाए स्वास्थ्य महकमे के हाथ से बाहर निकलता चला जा रहा है। आपको बता दें कि कई जो लोग अगर बात अगर लखनऊ की किया जाए तो 60 के ऊपर जो लोग हैं मरीज हैं वो हो चुके हैं और यहाँ पे 2 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत भी हो चुकी है। अब तक आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगभग 7 मौतें हो चुकी है, जिसमें लखनऊ में 2, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़ और कानपुर में भी जो मौतें हैं वो हो चुकी है। तो निश्चित ही बात है कि एक बड़ी बीमारी के रूप में आपको बता 300 लोगों के आसपास संदेह है स्वाइन फ्लू की जो स्क्रीनिंग में है वो लोग, तो एक जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी है अभी लोगों से। हालांकि जो अधिकारियों का खासतौर से कहना है कि वो काफी जो अस्पतालों में उन्होंने निर्देश दे रखे हैं, जो कि स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए वार्ड अलग बनाया गया, आरक्षित वार्ड बनाया गया है और उसमें निगरानी करने के लिए चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ अन्य लोगों को भी रखा गया है और उनके भी वैक्सीनेशन का भी निर्देश भी तुरंत का तुरंत दिया गया है। प्राची जी, आलोक, ये भी लापरवाही देखी गई है कि अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया है या फिर देरी से पता चल पाया है कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ है, तो ये भी एक बड़ा ढील हम कह सकते हैं कि स्वाइन फ्लू एक तो एक गंभीर बीमारी है, ऊपर से इसका इलाज नहीं ठीक से मिल पा रहा है। देखिए, निश्चित सी बात है कि एक तो इलाज जो स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन वो भी उसको नहीं पहचान पाते हैं और जो अगर बात किया जाए तो अस्पतालों में जो टेस्ट छुट्टी टेस्ट की रिपोर्ट आने में खासा समय लग जाता है, जिसके कारण जो जो बीमारी के कीटाणु वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो एक तेजी से जो स्वाइन फ्लू फैल रहा है उसका एक बड़ा कारण है वो हो सकता है। उसके बाद जो बचाव है, बचाव के लिए जो योजनाएं की गई है वो पर्याप्त नहीं है और या तो उसका पर्याप्त से प्रचार प्रसार बड़ी लापरवाही यहाँ पर है और लगातार स्वाइन फ्लू की चपेट में यूपी आता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो स्वाइन फ्लू ने अपनी चपेट में यूपी को ले लिया है और आपको बता दें कि अभी तक लगभग 300 लोग यूपी के इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और अब तक करीब 7 लोगों की मौत भी स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी है।